हाय व्यूअर्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं दुबई में वेदर के बारे में। यानी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दुबई में जो है ठंडा मौसम नहीं आता है भैया, खाली जो है टी शर्ट पहनो घूमो, तो ऐसा सीन नहीं है दुबई के अंदर। सही है, यहाँ पर कोट भी पहनना पड़ता है। देखो अभी रात का जो है 1 बज रहा है, अभी हम लोग ड्यूटी से जो है स्विच करके अपने रूम के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर ठंडी का मौसम कुछ इस तरह है। देखें जैकेट वगैरह पहने हैं कि अच्छा एक प्रूफ दिखा दूं कि दुबई में हूँ। ये देखिए, ये यहाँ का जो है यहाँ का फ्लैग है और ये प्रूफ है यहाँ का कि हम लोग दुबई के अंदर है। तो यहाँ अभी जो वेदर है, क्लाइमेट थोड़ा सा आप बैक कैमरे से इधर भी दिखाएं, थोड़ा सा इधर कैसा मौसम है अभी रात का, ऐसा सीन है। तो थोड़ा सा मतलब ठंडा लगता है, ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ही मतलब नॉर्मल है, यानी कि ज़्यादा उतना भी नहीं है। और थोड़ा सा आप इधर भी आ जाएं और जो है कि उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, मतलब आप जो है महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा ठंडा का मज़ा ले सकते हैं। इतना ठंडा पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं है कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा यार, कड़ाके की ठंडक है, टोपी पहनो, ये करो वो करो, ऐसा वेदर नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। अच्छा, दूसरा चीज़ हम बात करें कि इस मौसम में जो है बिजनेस कैसा होता है, यानी जो बिजनेस करने वाले हैं उनका बिजनेस पोजिशन कैसा होता है या बिजनेस का स्टेटस क्या होता है, कैसा चलता है, मूविंग होता है, अनमूविंग होता है। तो इस मौसम में बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस भी बहुत अच्छा होता है। ये एक्चुअली बिजनेस का मौसम है। आप दुबई मुर्शिद बाज़ार जो है, गोल्ड सुक है, ये इन तमाम जो फेमस मार्केट है, आप वहाँ पर जाकर किसी भी आदमी से पूछेंगे तो वो यही जवाब देगा कि जो है ये जो मौसम है बिजनेस का सीज़न है, यहाँ पर बिजनेस इस मौसम में ज़्यादा आता है। और तीसरा चीज़ ये है कि जॉब की अगर बात करें, दुबई के अंदर जॉब का कंडीशन क्या है, यानी बहुत सारे जॉब सीकर आ रहे हैं और जॉब ढूंढ रहे, इस मौसम में जॉब सीकर को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो भैया देखो, एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आप जॉब सीकर हैं तो जॉब के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, प्लस आपके पास जो एक अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, आप एजुकेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो बहुत सारे लोग आके दुबई में फंस जाते हैं, विजिट वीज़ा लेते हैं या एजेंट के थ्रू आते हैं, एजेंट क्या करता है भैया 3 महीने का विजिट देता है, वो चले जाते हैं, इधर आके फंस जाते हैं। पता चलता है भैया कोई ना आगे है ना कोई पीछे है, पैसा भी 1 लाख रुपया गया प्लस आदमी भी गया, और जो है कि वो जाके फिर इंडिया में जाता है, फिर रोना रोना इधर उधर कर रहता है कि भैया पैसा लिया कहाँ गया। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कहूँगा कि आप ये समझ दो कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा क्या होता है, विजिट वीज़ा क्या होता है, जॉब सीकिंग वीज़ा क्या होता है। अभी तो प्लस जॉब सीकिंग वीज़ा भी आ गया, अभी 2 दिन पहले देखो एक लॉ आया दुबई का कि जो विजिट वीज़ा एक्सटेंशन था, जो एक्सटेंड होता था, यानी कि इनसाइड द कंट्री एक्सटेंड हो जाता था, लेकिन अभी उन्होंने वो बंद कर दिया, यानी जो है एक्सटेंजिंग नहीं है, यानी कि आपका वीज़ा का जो स्टेटस चेंज होता था, अभी वो स्टेटस चेंज नहीं होगा, उन्होंने रूल्स को जो है चेंज कर दिया है। रूल्स हैज़ चेंजेड नाउ इन दुबई, इनसाइड कंट्री आप नहीं चेंज कर सकते। उसके लिए क्या आपको करना होगा, आपको जाना होगा आउटसाइड द कंट्री, यानी जैसे कि यहाँ से आप ओमान जाएंगे, बाई बस जाए या बाई एयर जाए, कुछ भी तरीके से जो है आपको कंट्री आउट करना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई चारा आपके पास नहीं है। तो आप जो है जब तक कंट्री आउट नहीं करेंगे तब तक आपको जो है यहाँ का जो है स्टेटस चेंज नहीं होगा आपका, यानी कि विजिट वीज़ा का स्टेटस चेंज नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगेगा आपका, वो चीज़ तो मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको जॉब मिलना चाहिए वक्त पर, और अगर जॉब आपको वक्त पर नहीं मिलता तो फिर आपके लिए जो है बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं दुबई के अंदर, आपको समझना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों को जो है हमें इस तरह से जो है कैसे समझना है और कैसे लेकर चलना है। बहुत सारी सारी चीज़ों को समझते नहीं है और सीधा मुंह उठा कर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको इन सारी चीज़ों को समझना है। जब भी आप आए कहीं भी बाहर निकल रहे तो उन चीज़ों के बारे में आप सर्च करें, उन चीज़ों के बारे में लॉ को जाने, रूल्स को जाने, हर चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी और अहम होता है। तो उन सारी चीज़ों को जानने के बाद जब आप कोई चीज़ का डिसीजन लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा एक जो है आपको डिसीजन मिलता है सामने के लिए, या आप जहाँ जाते हैं वहाँ पर अच्छी तरह सारी चीज़ों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, तो आपको बहुत कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाता है, जो है कोई आपको धोखाबाजी या दगाबाजी या फ्रॉड नहीं कर पाता है आपके साथ। अच्छा, कुछ भी और भी सवाल है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर उसका भी जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।